साथियों नमस्कार। जय आरसीएम। जूम ऐप पे आए हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी लीडर्स का मैं जय नारायण जयपुर राजस्थान से दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमारे बीच में सारे सीनियर साथी जुड़े हुए हैं और आज कुछ नई शुरुआत हम सब लोग मिलकर करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी साथी एक बार लिस्ट को चेक करें, फोन कॉल करिए, आपके कोई भी रॉयल्टी टेक्निकल साथी अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अगले दो चार मिनट आप चाहो तो अपना वीडियो बंद रख सकते हो, लेकिन आप संख्या चेक करिए कि आपका सीनियर साथी या आपके टीम में कोई भी रॉयल्टी टेक्निकल जुड़ा हुआ है या नहीं है। यूट्यूब पे बैठे सर? यस सर, जो इसमें नहीं जुड़ पाए वो सब यूट्यूब पे चले जाए। यस सर, यस सर। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जूम का 1000 का सेशन फिल हो चुका है और साथ में आपके पास जो भी मैसेज मिला उसमें यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, तो आप सभी साथियों को यूट्यूब के लिए फोन करें। और आज बहुत कुछ नया होने वाला है और आज एक बहुत अच्छी नई शुरुआत होने वाली है। साथियों हम सब लोग आरसीएम सिस्टम में काम कर रहे हैं, कोई साल में साल से, कोई दो साल से, कोई पांच साल से, कोई दस साल से, कोई बीस साल से, और बातों बातों में हम सब लोग बोलते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन है और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में नंबर वन है। आज प्रोग्राम बहुत ही सीरियस होके आप सब लोगों को सुनना है, हो सके तो डायरी बॉल पेन के साथ नोट करना है। हम पूरी दुनिया में कैसे नंबर वन हो सकते हैं, कहां कहां हमसे कमियां रह रही है, कहां कहां से हमसे गलतियां हो रही है और हम और बढ़िया कैसे कर सकते हैं। आरसीएम सिस्टम का मैं लगभग 19 साल का स्टूडेंट हूं, पिछले एक साल से कोर टीम में हूं और कोर टीम की मेहनत प्रयास पिछले एक साल से मैं नजदीक से देख रहा हूं, कंपनी का प्रयास, कंपनी की मेहनत मैं नजदीक से देख पा रहा हूं। और इन सारी चीजों के विश्वास पे एक चीज बताना चाहूंगा, सभी सीनियर साथी और कंपनी मिलकर बहुत कुछ बड़ा करना चाहती है, चाहते हैं हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस आए, हर महीने नई नई पने आए, हर महीने बढ़ते क्रम में इनकम आए, ये आपके सारे सीनियर साथी चाहते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग सभी कोर साथियों ने मिलकर करी है, इसलिए आज की मीटिंग में सभी रॉयल्टी टेक्निकल साथियों का रहना बहुत जरूरी है और आज से एक नई शुरुआत होगी। हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस कैसे आए, हम पूरी दुनिया में नंबर वन कैसे बन सकते हैं, टेंशन फ्री हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और कहीं पर कोई अपलाइन की हेल्प मिले नहीं मिले तो भी हमारा बढ़ते क्रम में बिजनेस कैसे आ सकता है, इसकी आज एक नई शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए सभी साथियों का रहना बहुत जरूरी है। आज हमारे बीच में पूरी कोर टीम रहेगी, लेकिन विशेषकर हमें नए रास्ते दिखाने के लिए हम सबके गुरु मेंटर हमारे बीच में डीसी छाबड़ा सर रहेंगे, मुकेश कोठारी सर रहेंगे, सुरेंद्र भट्ट सर रहेंगे और सुजीत कुमार सर रहेंगे, जो हमें विशेष तरीके बताएंगे कि हमारा बिजनेस हर महीने बढ़ते क्रम में कैसे आ सकता है, कहां पर हमसे चूक हो रही है और हम छोटी मोटी गलतियां सुधार के हम बड़े कैसे बन सकते हैं, इस बिजनेस को बड़ा कैसे बना सकते हैं। इसलिए आपके पास डायरी बॉल पेन होना जरूरी है और आपके टीम का हर जिम्मेदार साथी का आज यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। हम बोलते हैं कि हम नंबर वन है, लेकिन बहुत सी चीजों में हम नंबर वन नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की हमारी टीम है, जिस प्रकार कंपनी की सोच है और जिस प्रकार की हमारे पास लीडरशिप है, दुनिया की कोई ताकत हमें नंबर वन होने से नहीं रोक सकती, ये फाइनल है। अगर हम एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और एक सोच के साथ काम करें, हमारे बीच में बहुत से, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, बहुत से अच्छे साथी भी आएंगे, बहुत से ढीले पीले साथी भी आएंगे, हम सबको साथ लेके चले और एक दिशा में चले, एक सोच के साथ चले, तो निश्चित है हम हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास को बदल सकते हैं और एक नया इतिहास बना सकते हैं। जो हम लोगों को सपने दिखाते हैं कि रॉयल्टी ये होती है, टेक्निकल ये होती है, ये इनकम आ सकती है, ये चीजें मिल सकती है, वो सारी चीजें हम साबित कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पे रॉयल्टी टेक्निकल साथी जुड़े हुए हो, हम सबकी अलग से जिम्मेदारी है,
क्योंकि हम सब लोग रॉयल्टी पे हैं, टेक्निकल पे हैं, एक जिम्मेदार लेवल पे हैं, तो निश्चित है हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। आज की मीटिंग को ठीक से सुनना है और चेक करना है कि क्या हम इस बढ़ी हुई जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं, कहां पे हमसे गलती हो रही है और हम और बढ़िया कैसे कर सकते हैं। निश्चित मैं बता सकता हूं ऐसी लीडरशिप हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, इस प्रकार की सोच किसी भी कंपनी के पास नहीं है। फिर हम नंबर वन क्यों नहीं हो सकते और हर महीने बढ़ते क्रम में बिजनेस क्यों नहीं ला सकते, हमारे टीम के हर साथी का हम सपना पूरा क्यों नहीं कर सकते, आज की मीटिंग बहुत कुछ डिसाइड करेगी। आज की मीटिंग इस बिजनेस की दिशा और दशा बदल सकती है। अगर आपने छोटी मोटी गांठें, छोटे मोटे मन मुटाव, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करते हुए आज की मीटिंग को सुना और अगर पूरे हिंदुस्तान के रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर एक दिशा में लग जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। कोई भी काम आज आरसीएम की लीडरशिप के लिए असंभव नहीं है, हम कर सकते हैं अगर छोटी मोटी गांठों को खत्म करें, छोटी मोटी चीजों को खत्म करें और एकजुट होकर लग जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। एक साल में एम्ब्रॉयड लेवल निकाला जा सकता है, 3 साल में स्टार रूबी लेवल निकाला जा सकता है, 5 साल में डायमंड लेवल निकाला जा सकता है और ये होगा, ये होगा। लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं? आपने बहुत सी किस्से कहानियां सुनी है कि जब राम सेतु बन रहा था तो छोटी मोटी गिलहरी या चिड़िया ने भी रोल किया, इसलिए किया कि मेरा नाम सेतु बनाने वाले में आए, यानी जीतने वाले में आए, कुछ इतिहास बनाने वाले में आए, गिरने वाले में नहीं आए। तो हमारी वर्किंग को हमें चेक करना है, आज हमें वापस सोचना है कि क्या मेरी वर्किंग सही है और मैं क्या और बढ़िया कर सकता हूं। आज हमारे बीच में हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, हम सबके भाग्य विधाता, मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। आज मैं तो मेरा पर्सनल बताऊं, मैं जो कुछ हूं इसमें श्रीमान बीसी छाबड़ा सर का बहुत बड़ा रोल है। मैंने कोई भगवान तो नहीं देखा, पर शायद कोई परमात्मा होता होगा तो शायद इसी प्रकार की सोच के साथ, इसी प्रकार का दिल दिमाग के साथ होता होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आज हमें उनसे कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। आज आपको ऐसे सुनना है जैसे आप पहली बार सुन रहे हो और अपनी गलतियां चेक करना है। आपस में छोटी मोटी बातों को लेके हम इस बिजनेस में वो नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। यहां पे हम थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे, माफी चाहेंगे सर से। आज पूरी कॉल टीम ने, कंपनी मैनेजमेंट ने ठाना है कि हम ये मीटिंग करते हैं, यूट्यूब पे मीटिंग होती है, जूम पे मीटिंग होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो हमारी संख्या है, क्या इससे आप संतुष्ट हो? आज हमारे पास हजारों हजार टेक्निकल अचीवर है, हजारों हजार रॉयल्टी अचीवर है, क्या ये संख्या सफिशिएंट है? क्या आप इससे संतुष्ट हो? हम इसमें लाखों की गैदरिंग क्यों नहीं कर सके? हम बताते हैं कि हम नंबर वन है, कैसे नंबर वन है? अगर कोई आज डाटा चेक करे तो क्या हम नंबर वन है गैदरिंग के मामले में? और गैदरिंग कितना बड़ा पार्ट है, एक बड़ी मीटिंग का क्या महत्व होता है, बड़ी टीम का क्या महत्व होता है, ये हम समझेंगे। आज हमारी जूम पे मीटिंग होती है, यूट्यूब पे मीटिंग होती है, एक रॉयल्टी अचीवर 100-200 लोग कर लेता है, एक टेक्निकल अचीवर 200-400 लोग कर लेता है। अगर हम सारे लोग एकजुट होके और कुछ ऐसा करें कि हमारी मीटिंगों में लाखों की गैदरिंग आए, तो क्या हम नंबर वन होने से वंचित रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। आगे की सारी कोर टीम ने मिलकर डिसाइड किया है, सारी मीटिंगें हैं, लेकिन हर बुधवार को रात्रि 8:30 बजे, ये सूचना हम देना चाहेंगे, आप ठीक से नोट करें, हर बुधवार को रात्रि 8:30 बजे इसी लिंक पे, इसी यूट्यूब चैनल पे श्रीमान टीसी छाबड़ा सर रहेंगे, तमाम कोर लीडर रहेगी और हर मीटिंग में 3 कोर वक्ता भी रहेंगे और शानदार ट्रेनिंग होगी, हर चीज नोट करने वाली होगी, जितनी बाधाएं, जितनी शंकाएं हैं, उन सारी बाधाओं का सोल्यूशन इस 8:30 की मीटिंग में बुधवार में मिलेगा। लेकिन क्या ये मीटिंग 1000-2000 में होनी चाहिए? क्या ये मीटिंग 5000 में होनी चाहिए? सोचने का विषय है। मैं माफी चाहूंगा, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूं, मैं तो आप सब लोगों से सीखता हूं, पर मैंने देखा है एक टेक्निकल अचीवर 1000 संख्या कर सकता है। क्या यह संख्या संतुष्टिदायक है? जरूर सोचना। आज बीसी सर हमने बीच में है, हम सबको बहुत कुछ इन्होंने दिया है, लेकिन आज हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर
एक बड़ी मीटिंग का क्या महत्व होता है, हमें बड़ी मीटिंग क्यों करनी चाहिए, और अगर हम लाखों लोगों की मीटिंग कर डालें तो क्या हो सकता है, इस टॉपिक पे, क्योंकि हर बुधवार को एक ऐसी यूनिक ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले उसके लिए संख्या अपने पास होनी चाहिए। क्या अपने पास संख्या वाला सफिशियंट है? बड़ी मीटिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए? बहुत से लोग बोलते हैं सर लाखों नहीं हो सकते। उन सारे सवालों का जवाब आज हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर अपने को देने वाले हैं। आप डायरी नोट करना, और ये सारी चीजें हर जगह हमें काम आने वाली है। तो हम आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, जिन्होंने आज बहुत कुछ दिया है इस हिंदुस्तान को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, जाने अनजानों में उन्होंने बहुत कुछ दिया है, चाहे डायरेक्ट दिया हो चाहे इनडायरेक्ट दिया हो, आज हमें बहुत कुछ नई चीज देने वाले हैं कि एक बड़ी मीटिंग के क्या फायदे हैं। और हम आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, सीटियों के बीच में, हुल्ले के बीच में हम इन्वाइट करना चाहेंगे आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, बीसी छाबड़ा सर आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जय नारायण जी, और थैंक यू एवरीबडी, हमारे दिल के करीब और सफलता की राह के राही सभी रॉयल्टी अचीवर्स, सभी टेक्निकल अचीवर्स और सभी सीनियर अचीवर्स, और जो भी कोई साथी आज के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और बहुत दिल से और प्यार से मैं नमस्कार करता हूं। आई लव यू एवरीबडी, आई लाइक यू एवरीबडी, एंड आई रेस्पेक्ट यू एवरीबडी। और दोस्तों बिल्कुल जय नारायण जी, बहुत सारी बातें आपके बीच में कर रहे थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम मेरा बागचंद छाबड़ा है, और जो भी पुराने साथी हैं वो तो मुझे जानते ही हैं, आरसीएम बिजनेस का मैं पहला परिवार हूँ। जब आरसीएम में केवल एक पैंट पीस था, प्रोडक्ट के नाम पे केवल एक पैंट पीस था, और बाद में पैंट के साथ में शर्ट का कपड़ा आया, और तीन जोड़ी पैंट और तीन जोड़ी शर्ट से हमने हिंदुस्तान को हिला दिया था। जिस समय तीन जोड़ी पैंट और तीन जोड़ी शर्ट थे, इतने प्रोडक्ट नहीं थे, इतने डिपो नहीं थे, इतने पिकअप सेंटर नहीं थे, इनकम के इतने एग्जाम्पल नहीं थे, दिखाने को ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास एक थी, हमारी मीटिंगों की ताकत। मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में हमने 6 सेशन एक साथ किए हैं, 6 सेशन, 3 एक दिन और 3 दूसरे दिन। कलकत्ता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में 6 सेशन किए मैंने। हिंदुस्तान का ऐसा कोई भी ऑडिटोरियम, इवन कलकत्ता का नेताजी सुभाष स्टेडियम, उसमें हमने एनिवर्सरी जैसा फंक्शन 2 सेशन में किया है। और वो दौर था जब हमारे सामने हिंदुस्तान की, चाहे फिल्मी सितारों की कंपनियां आए, चाहे हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड आ जाए, कोई भी कंपनी हमारे सामने टिक नहीं पाती थी। हमने लाखों कंपनियों को धो डाला, और उसके पीछे एक ही कारण था, हमारे पास मीटिंगों की संख्या की ताकत थी। उस समय हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं थे। ये बार बार व्हाइट बोर्ड क्यों एक्टिव हो जाता है? हमारे पास उस समय प्रोडक्टों की ताकत नहीं थी, उस समय हमारे पास में लीडर्स की ताकत नहीं थी, लेकिन उस समय हमारे पास जनता की ताकत थी, और जनता उन मीटिंगों की तरफ उमड़ पड़ती थी। लोगों को शायद प्लान समझ में नहीं आए, लोगों को शायद बात समझ में नहीं आए, लेकिन वो माहौल लोगों को समझा देता था। और जब इतने बड़े माहौल में लोग आते हैं तो उनको और कुछ समझ में आए या ना आए, ये समझ में आता है। जब लाखों लोग कामयाबी की तरफ जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता, पर ये इतनी सी बात उसको जगा देती है और उसको मजबूर कर देती है कि मुझे इस बिजनेस के साथ काम करना है। नॉलेज अपनी जगह पर है और माहौल अपनी जगह पर है। हम सब जिस इंसान हैं तो हमें बहुत सारे शक्तियां और बहुत सारी बातें माहौल से मिलती है। हम शमशान घाट में जाते हैं तो हमारा मूड और माहौल अलग हो जाता है, पर जब हम ससुराल में जाते हैं तो मूड और माहौल अलग हो जाता है। और आरसीएम की किसी मोमेंटम वाली, माहौल वाली मीटिंग में जाते हैं तो हमारा मूड और माहौल अलग हो जाता है। तो हमें माहौल का निर्माण करना है, शक्ति का निर्माण करना है, तो उसके लिए चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम इटसेल्फ क्रिएट द मोमेंटम।
कहते हैं कि जो लीडर माहौल का निर्माण करना जानता है वो लीडर बिजनेस करवाना भी जानता है। तो बिल्कुल अब हमें माहौल का निर्माण करना, हमारी 22वीं एनिवर्सरी, एक ऐतिहासिक एनिवर्सरी, 22वीं एनिवर्सरी हमारे सामने है और पहली बार हम एक शानदार स्टेडियम में 19 एनिवर्सरी करने जा रहे हैं और 2-2.5 साल बाद हम कोविड के बाद में फिर फिजिकल एनिवर्सरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये इवेंट जिसमें पूरे हिंदुस्तान की सारी उपलब्धियां, सारे पॉजिटिव लोग, सारी उपलब्धियों वाले लोग, सारे विजेता लोग जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो वो एक अलग तरह की ऊर्जा प्रकट होती है जिससे वहां आने वाले मानव महामानव में रूपांतरित हो जाते हैं। जो बात मैं कहता हूं कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस वो केवल जागा नहीं है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपके साथ हूं और मैं आपसे एक विशेष निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए, विशेष रिक्वेस्ट करने के लिए आपके बीच में हूं। हम सब लोगों की बहुत बड़ी बड़ी जवाबदारियां हैं और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मुझे याद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी ने जब लाल किले से भाषण दिया था तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को 65 बार बोला था, 65 टाइम, और उन्होंने इशारा दिया था कि किल योर सेल्फ और स्किल योर सेल्फ। उनकी बातें मैं उनके भाषण को बहुत गहराई से सुन रहा था, लेकिन जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को 65 बार बोला था तो मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे उद्देश्य है 3, नए भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा और स्वाभिमान, स्वतंत्र। मतलब हम लोग जो हमारे जो ये लक्ष्य है, ये इतने महान लक्ष्यों को लेकर चलने वाली ये कंपनी आज भारत की नहीं दुनिया की नंबर 1 मिसाल है। आज तक डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में इतने रीजनेबल रेट के प्रोडक्ट, डेली यूज के प्रोडक्ट और क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट देने वाली ये पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग की पहली कंपनी है। अपने प्रोडक्शन सेटअप को इतना बड़ा बना देने वाली ये पहली कंपनी है। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा कर देने वाली ये पहली कंपनी है। इतने डिपो खोलने वाली ये पहली कंपनी है और इतने बड़े नेटवर्क को साथ लेके चलने वाली ये पहली कंपनी है। और हिंदुस्तान की सबसे कमिटेड और डेडिकेटेड और बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल लीडर को लेकर चलने वाली ये पहली कंपनी है। हिंदुस्तान में प्रोडक्ट को इस प्राइस पर अवेलेबल कराने वाली ये पहली कंपनी है और सामानों को सम्मान में बदल देने वाली ये पहली कंपनी है और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट किस्मत के प्रोडक्शन में बदल देने वाली ये पहली कंपनी है और हमारी खरीददारी को दुनिया के लिए खुददारी में बदल देने वाली ये पहली कंपनी है। तो यानी हम आंकड़ों के मामले में नंबर 1 है, हम प्रोडक्ट के मामले में नंबर 1 है, हम मूल्यों के मामले में हम नंबर 1 है, हम कैटेगरी के मामले में नंबर 1 है, हम वैरायटी के मामले में नंबर 1 है। अब हमें एक जगह पर नंबर 1 और होने की जरूरत है और वो नंबर होने की जरूरत है कि जब हमारी मीटिंग हो तो पूरी दुनिया ये कहे, क्योंकि नंबर की संख्या, नेटवर्क की साइज के मामले में भी हम ही नंबर 1 है। तब एक चीज, चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आ चुके हैं और डिजिटल की दुनिया अलग तरह की दुनिया है, यहां संख्या का खेल है, दिस इज द गेम ऑफ नंबर। यहां पर बार वाला जब किसी वीडियो को देखता है तो सबसे पहले देखता है इसको कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने देखा है, कितने व्यूज हैं इसके, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। और वहां पर हमें अब कुछ नया कर्तव्य करके दिखाना है, करिश्मा करके दिखाना है। और वो करिश्मा आपके लिए किस तरह से काम करेगा, करिश्मा आपकी जिंदगी की कामयाबी के गणित को किस तरह से बदलेगा, मैं उस विषय पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं पहले थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी पर बात करना चाहता हूं। भारत 65% गांवों का देश है, 65% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया गांव में रहती है। जिन गांव में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच सकती, जिन गांव में सरकार की सड़कें नहीं पहुंच सकती, जिन गांव में सरकार की रेलें नहीं पहुंच सकती, जिन गांव में सरकार के पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंच सकते, जिन गांव में टाटा अंबानी अडानी नहीं पहुंच सकते, उन गांवों की तकदीर और तस्वीर आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास RCM है। भारत की 70% जनसंख्या कम पढ़ी लिखी है, यहाँ पढ़े लिखों को जिस देश में नौकरी नहीं मिलती वहां बिने पढ़े लिखे लोगों को नौकरी कैसे मिल सकती है, और गांव के लोग हैं वो। तो अब उन लोगों की तस्वीर और तकदीर आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास RCM है।
भारत की 85% जनसंख्या लो इनकम ग्रुप में जीती है, यानी उनकी इनकम का जो लेवल है वो 10-15 हजार से नीचे है, जिससे एक परिवार का गुजारा उनको चलाना पड़ता है। सरकार उनको सब्सिडी तो दे देती है लेकिन उनकी जिंदगियां नहीं बदल पाती है। सरकार उनको घर में लाइट तो शायद फ्री दे देती है लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदल सकती। लेकिन आप लोग उनकी जिंदगियां बदल सकते हो क्योंकि आपके पास आरसीएम है। इस नाते आपकी और हमारी कोई जवाबदारी बनती है और हमारी जिम्मेदारी बन सकती है। उन सारे भारत को कवर करने का एक ही तरीका है, हमारी एक मीटिंग पड़े सब पर भारी, एक तैयारी पड़े सब पर भारी, तो पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है, पूरी की पूरी फिजा बदल जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, साल भर म्युनिसिपलिटी वाले कॉरपोरेशन वाले शहर की सफाइयां करते हैं, शहर की सफाइयां करते हैं लेकिन शहर की गंदगी को वो पूरी साफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक जोर की झमाझम बारिश आती है और वो पूरी एक ही बारिश पूरे शहर की सारी चीजों को हरी भरी कर देती है और पूरे शहर की सारे नदी नालों को साफ कर देती है। वो एक जोर की बारिश में यह ताकत होती है। मुझे याद आता है मेरे घर के बिल्कुल बाजू में एक मोदी ग्राउंड नाम का ग्राउंड है। 2014 के चुनाव थे और 2014 के चुनाव में कांग्रेस भी खड़ी थी, बीजेपी भी, पहली बार मोदी जी चुनाव में खड़े हुए थे और यहाँ भिलवाड़ा में दोनों की सभाएं हुई थी। कांग्रेस से हमारे यहाँ के शहर के सबसे गणमान्य व्यक्ति रामपाल जी सोनी खड़े हुए थे, उनके समर्थन में उनकी फैक्ट्रीज के 2000 मजदूर आए होंगे और बाकी और भी कुछ आए होंगे। और माननीय राहुल गांधी जी मीटिंग के लिए आए थे, जो 4000-5000 जितने भी लोग थे, एक अच्छी सी सभा उनके सम्मान में हुई थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, शायद 8 दिन बाद 10 दिन बाद, एक सभा और हुई जिसमें 50,000 या 1 लाख लोग आए। लोगों ने तो 1.5 लाख बोला, किसी ने क्या बोला, लेकिन उस एक सभा ने पूरी फिजा बदल डाली, पूरा माहौल बदल डाला। और 2014 में एमपी के चुनाव में, ये मतलब लोकसभा के चुनाव में, राजस्थान से जो सीटें आई थी वो सीटें आई थी 25 की 25, क्योंकि कोई एक जोरदार की मीटिंग सारे माहौल को बदल डालती है। और हम सब लोग शक्ति, आप 100 मीटिंगों में जो बात नहीं समझा सकते, एक जोर की मीटिंग, एक जोरदार मीटिंग, क्योंकि भीड़ की अपनी ताकत होती है, भीड़ की अपनी शक्ति होती है, भीड़ का अपना एक माहौल होता है। तो मैं चाहता हूं कि हम अब उस सिलसिले की ओर बढ़े जहां हमें अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए एक ऐसा जलजला पैदा करना है, एक ऐसा फलसफा दिखाना है कि हिंदुस्तान के लोग भी, क्योंकि जहां कोई लिमिट ही नहीं है, हम इंदिरा गांधी स्टेडियम में मीटिंग करेंगे, वहां भी लिमिट है कि वहां पर 30,000 हो सकते हैं, 50,000 हो सकते हैं, वहां की सीटें जो भी है वो मुझे पता नहीं, लेकिन वहां लिमिट है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हम मीटिंग कर रहे हैं तो हम सारी लिमिट को तोड़ सकते हैं, सारी बाउंड्रीज को खोल सकते हैं। और जब लिमिटेड टूटती है, बाउंड्रीज टूटती है, तो कामयाबी की भी सारी लिमिटेड टूटती है, क्योंकि माहौल बनता है तो उस माहौल में अच्छे अच्छों के फैसले बदल जाते हैं, सोए हुए लोग जाग जाते हैं, ठहरे हुए लोग चलने लग जाते हैं, और जो फैसला नहीं ले पा रहे थे वो फैसला लेने लग जाते हैं। इसका ऑरा बनता है, उसकी ऊर्जा बनती है, उसके परमाणु बनते हैं, उसकी वर्गणाएं बनती है, और ये सारी चीजें होती है एक शक्ति। मैं तो बहुत बहुत पहले से ही इस बात के फेवर में हूं, क्योंकि संख्या जब एक सीमा से बाहर पहुंचती है तो वो संख्या नहीं रहती है, वो सेना बन जाती है। और वो सेना जब निर्णय लेती है तो कहते हैं धरती पर जब उनके कदम गिरते हैं, तो वो काम हमें करके दिखाना है और एनिवर्सरी से पहले करके दिखाना। मैं स्वागत करता हूं हमारे माननीय सारे पदाधिकारियों का और कोर टीम के सभी साथियों का कि उन्होंने एक फैसला लिया, और टीसीजी का बहुत अधिक सम्मान हम करना चाहेंगे, क्योंकि टीसीजी ने भी उस महान सभा में हमेशा उपस्थित रहने का कि बुधवार को 8:30 बजे मैं उस मीटिंग में अवेलेबल रहूंगा, और सारे कोर साथियों ने फैसला किया कि हम सारे लोग अवेलेबल रहेंगे। तो अब हिंदुस्तान का सारा नेतृत्व, हिंदुस्तान की सारी शक्तियां, हिंदुस्तान की सारी पॉजिटिव एनर्जी, हिंदुस्तान की सारी नॉलेज एनर्जी और हिंदुस्तान के सारा ही का सारा ऊर्जा पिंड जब हमारे सामने हो, तो हमें अपनी टीम का एक बच्चा भी छूटना नहीं चाहिए, टीम का हर साथी। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं, उस माहौल में सुनने के बाद में लोग जब उन आंकड़ों को देखेंगे, और जब जब भी अभी मैं आपके इस प्रोग्राम में एंट्री ले रहा था तो मैं चूंकि पहले की कीसोल की मीटिंग अटेंड करके आया था, उस मीटिंग से डायरेक्ट इसमें आया, लेकिन मैं आया तो एंट्री फुल हो गई थी, मेरे को जगह ही नहीं मिल रही थी,
बस ये जो सीन जब पैदा होता है ना, उस समय जो निर्णय होते हैं ना, वो बहुत कमाल के होते हैं। इसलिए आपको वो स्थितियां पैदा करनी है कि बस आज के बाद, मुझे याद है कि कुछ मीटिंगें ऐसी होती है जो 9 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन लोग 8:30 बजे लाइन में लग जाते हैं। मतलब ये जूम की मीटिंगों में भी वो जानते हैं कि यार मैं लेट जाऊंगा तो मेरी एंट्री नहीं हो पाएगी, यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें वो माहौल तैयार करना है ताकि वो दिन कोई भूल ना पाए, वो शाम कोई भूल ना पाए, और फिर जिन नए मेहमानों को, नए लोगों को आप लाएं, तो वो यही कहे यार इतने लोग आते हैं क्या यार तुम्हारे, मैं तो सोचता था कि आरसीएम चल ही नहीं रहा है, या मैंने तो कहीं आरसीएम का नाम ही नहीं सुना, ना टीवी में देखा, ना अखबार में देखा, ना फिल्मी सितारों की जुबान पे देखा, ना विज्ञापन में देखा, ना नेता लोगों की जुबान पे देखा, पर आपके बीच में आया तो माहौल देखा, और उस माहौल से मैंने तो फैसला ले लिया कि मैं बचा हुआ था, आज मेरा निर्णय हो गया। वो निर्णय उस संख्या को देखकर तुरंत प्रभाव से हो जाता है, बाकी की बात तो बाद में। अब वो रिसेप्टिविटी के मोड में बैठता है उस मीटिंग में, अब वो मीटिंग का देखने के लिए नहीं आता है, अब वो मीटिंग से ग्रहण करने के लिए आता है, अपने निर्णय को दृढ़ता पैदा करने के लिए आता है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग में बैठता है। जब वो संख्या देखता है ना, तो वो उसी मीटिंग में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के तरीके सीखता है। अदरवाइज पूरी मीटिंग के आखिरी तक आदमी सोचता रहता है, सी देखूं, अभी और देखूंगा, अभी और सोचूंगा। तो ये ताकत है संख्या बल में, संख्या का बल इतिहास में हर जगह पर काम आता हुआ है। और मैं जानता हूं, और मैं हमेशा के लिए कहता आया हूं कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है। मैं इस मामले में दुनिया का अलग ही आदमी हूं जिसे अपनी टीम पर भरोसा होता है। मैं कहा करता हूं कि आपकी मम्मी को भी भले आप पे भरोसा ना हो, आपके पापा को भी ना हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप कमाल कर सकते हैं, आप करतब दिखा सकते हैं, और मुझे अपने भरोसे पर भरोसा है, आप पर भरोसा है। और बस उस भरोसे में अब आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, और ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने की बात नहीं, उस रिकॉर्ड की तरफ देखने की भी कोई हिम्मत नहीं कर पाए, और ये केवल आरसीएम ही कर सकता है दोस्तों, ये केवल आप ही कर सकते हैं, ये आप लोगों का संगठन ही कर सकता है। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसका नोट्स आप डायरी में बना लेना, न ट्रेनिंग ये काम करती है, न टेक्नोलॉजी काम करती है, न टेक्निक काम करती है, काम ट्यूनिंग करती है। पर जिस दिन ये ट्यूनिंग बन जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में एक नई ट्यूनिंग पैदा हो जाएगी, कि एक एक उस दिन वो कहते हैं कि आज तो सारे रास्ते जैसे जैसे जिस दिशा में सारी नदियां मुड़ जाती है, वो फिर तालाब नहीं रहता है, वो तो फिर महासागर बन जाता है। बस आपको कामयाबी का वो महासागर जो आपकी कामयाबी की राहों को आसान बना दे, आपकी टीम के हर साथी के जज्बे को ऊंचा उठा दे, हर आदमी की कामयाबी के पंख लगा दे, उसके लिए आपको हमारी बात को मानकर इस दिशा में पहल करनी है। आज की मीटिंग का यही उद्देश्य है। इसके बहुत सारे तौर तरीके हमारे सीनियर साथी आज आपके बीच में बताएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको भरोसे के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन आपने गैदरिंग का रिकॉर्ड बना दिया, उस दिन आपकी कामयाबी का रिकॉर्ड बनाने की गारंटी मैं ले लेता हूं। आपने जिस दिन गैदरिंग को माहौल में बना दिया, उस समय कौन बोलेगा, उस समय हर ट्रेनिंग में आपको नई बातें मिलेगी, हर चीज में नई बातें मिलेगी, बस इतना ध्यान रखना जो नोट्स बनाते हैं वही नोट कमाते हैं। जितनी भी ट्रेनिंगों में, जितनी भी मीटिंगों में बैठो, जो नोट्स बनाते हैं वही नोट कमाते हैं। तो आपको बिल्कुल इस जो बुधवार की 8:30 बजे की मीटिंग को अपने घर में एक ऐसी जगह नोटिस बोर्ड लगा देना है, और इसको इतना सुपर डुपर हिट कर देना है, कहते हैं कि हर बुधवार, एवरी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे 8:30 PM जय आरसीएम, पूरा हिंदुस्तान एक ही बात बोले, सबके मोबाइल स्टेटस पर एक ही बात लगे, सबके कानों में एक ही नारा गूंजे, एवरी वेडनेसडे 8:30 PM जय आरसीएम, पूरा हिंदुस्तान बोले जय आरसीएम, सबके दिलों के ताले खोलेंगे और सबके दिमाग को हिला के एक नया इतिहास बनाएंगे। ऐसी मेरी शुभावना भी है और ऐसी मेरी मंगल कामना भी है, और ये तरीका आपकी कामयाबी को पंख लगाएगा और आपकी कामयाबी को उस ऊंचाई तक लेके जाएगा, और इसी एनिवर्सरी में आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार सर, बहुत बढ़िया। साथियों सर ने बहुत सी बातें बताई, शानदार। एक बरसात सब कुछ धो देती है, अब रिपीट करूंगा तो टाइम लगेगा,
सर ने शुरुआत कहां से करी कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन सब रॉयल्टी टेक्निकल है, क्या हम हमारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी परिवार के प्रति है, टीम के प्रति है। एक नया साथी कितनी उम्मीद लेके इस बिजनेस में आता है, क्या हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हम अगर छोटी मोटी बातों को छोड़ के अगर सारे जिम्मेदारी निभा दें, अभी यहाँ पे 3800 लोग हैं, मुझे नहीं पता, ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे ज्ञान है, एक रॉयल्टी अचीवर के 50 लोग नहीं ला सकता, क्या एक टेक्निकल अचीवर 100 लोग नहीं ला सकता? अगर 50 लोग भी मान ले तो 4000 × 50 क्या कर सकते हैं? हम सोच के देखिए साहब, अगर हम एकजुट होके लग जाएं तो। एक मैंने मीटिंग में एक डायलॉग सुना था, वरना वो डायलॉग ये कुछ भी नहीं है। क्या सर, क्या चूहों की रेस में चाहे जीतो हारो चूहा ही कहलाएंगे, शेरों की रेस में हार भी जाएंगे कम से कम शेर कहलाएंगे। हम बोलते हैं नंबर वन, क्या हम गैदरिंग में नंबर वन है? क्या है 3000 4000 गैदरिंग एक टेक्निकल के हेड पे हो सकती है? क्या हमने हर मीटिंग में तैयारी करते हैं? हम संख्या लाखों में कैसे पहुंचा सकते हैं? आज हम सबके गुरु, हम सबके मेंटर, हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में एक नया इतिहास बनाया है, पूरे हिंदुस्तान को नेटवर्क मार्केटिंग को नई दिशा दिया है। पिछले 22 सालों से हर पल उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को जिया है। सर माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता आप क्या बोलने वाले थे, पर सर माफी चाहूंगा, हम ये लाखों में गैदरिंग कैसे कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं हम, तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में हम इनवाइट करना चाहेंगे डॉक्टर सुरेंद्र भट्ट सर को। वेलकम सर। थैंक यू सो मच जनार्दन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात की शुरुआत बीसी सर के उस नारे से करना चाहता हूं, एक तैयारी सब पर भारी। और बीसी सर के ऐसे ही कुछ नारे, ऐसे ही कुछ मंत्रों ने आरसीएम बिजनेस को आज इस मुकाम पे लाया है। और हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब में स्पेशली जो कामयाब लोग हैं, उन सब में एक समानता ये है कि उनकी कामयाबी में बीसी सर का बहुत बड़ा योगदान है। और आज बीसी सर ने फिर हमें मार्गदर्शन दिखाया, हमें बताया कि हमें किस प्रकार अपनी जिम्मेवारियों का पालन करना चाहिए। एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है और वो है सेकंड लेग नहीं चलती, उतनी नहीं चलती जितनी पहले वाली चलती है ज्यादातर लोगों के साथ में। और उस समस्या का एक ही समाधान है, वो है मीटिंग की तैयारी। अब हम देखिए, छोटी और बड़ी लेग हमारी क्यों होती हैं, उस गणित को आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बड़ी लेग से मीटिंग में ज्यादा लोग बैठते हैं और छोटी लाइन से कम लोग बैठते हैं। और इसी वजह से वो ज्यादा लोग बैठे वो ज्यादा बड़े विजन लेके जाते हैं, ज्यादा उत्साह के साथ में काम करते हैं, कम लोग बैठे तो वो संख्या कम है, तो फिर बिजनेस उसी प्रकार से बढ़ता है। तो अगर हम लोग अपनी इस समस्या का समाधान चाहते हैं, एनिवर्सरी तक हम लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो स्पेशली वो लेग जो हमारी प्राथमिकता वाली लेग है, जिसको हम सेकंड लेग बोल सकते हैं, थर्ड लेग हो सकती है आपकी, फोर्थ लेग हो सकती है, उसकी संख्या को तो आप ज्यादा बैठाए ही बैठाए मीटिंग में, तो उसका एक समाधान आपके साथ में, एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन हम सबके सामने आ गया है। अभी 21वीं सदी नंबर्स की सदी कही जाती है, इस सदी में नंबर्स का बहुत महत्व है। सबसे ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति वो माना जाता है जिसको ट्विटर पे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, उसको एक नाम दिया जाता है इन्फ्लुएंसर, क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा है पब्लिक को। तो 21वीं सदी में चूंकि नंबर्स की संख्या है, तो हमारा जो नंबर है ऑफलाइन जो नंबर होता है ना फिजिकल मीटिंग्स में, वो बहुत ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन नंबर सबको दिखता है, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को दिखता है, यूट्यूब चैनल पे हमारे किस वीडियो के कितने व्यू हैं वो सारी दुनिया को दिखता है। तो वो हमारा जो नंबर्स, अगर हम लोग उसको बढ़ाएंगे, जनार्दन जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर वन हैं अभी, लेकिन हमें उससे संतोष नहीं करना है कि भाई हम तो नंबर वन हैं, हम नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स में नंबर वन है पूरे हिंदुस्तान में, हमारे जितना स्ट्रॉन्ग
डिलीवरी सिस्टम किसी का नहीं है, इतने पिकअप सेंटर्स और इतने डिस्प्ले वाले किसी के पास नहीं है, उसमें हम लोग नंबर वन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर वन है, हमारी लीडरशिप नंबर वन है, लेकिन जिनमें नंबर वन नहीं है तो उनमें भी हमें नंबर वन होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में ऐसी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं जिनकी फिजिकल और ऑनलाइन मीटिंग्स में हमारे से कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत फोकस्ड है वहां पे उस एरिया में, और हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड अभी नहीं है। हमारा पूरा का पूरा बिजनेस माहौल का बिजनेस है। एक बार अगर हम लोग नंबर्स बढ़ा के अगर माहौल हम बनाएंगे तो फिर हर किसी का बिजनेस बढ़ेगा, चाहे वो कश्मीर में है या तमिलनाडु में है, गुजरात में है या आसाम में है, सबका बिजनेस फिर बढ़ेगा, बशर्ते कि हम सब लोग मिलके माहौल बनाएं। और आप रॉयल्टी च्योर हैं, टेक्निकल च्योर हैं, बीइंग ए लीडर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है कि हम सिस्टम बनाएं, हम लोग माहौल बनाएं। और वो माहौल बन सकता है अगर हम हर बुधवार को रात 8:30 बजे, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होना चाहिए, हमारी फिजिकल मीटिंग्स हैं उनको हम साइड में रख दें थोड़े टाइम के लिए, जो भी काम है उनको साइड में रख के बस हम लोग यहाँ पे आके बैठ जाएं। सब लोग शो इस पे नहीं आ पाएंगे, जूम पे नहीं आ पाएंगे, यूट्यूब पे रहेंगे और वो वीडियोस यूट्यूब के लाइव रहेंगे, तो उसलिए जरूरी ये है कि हम संख्या बल बढ़ाएं। और पहली ही मीटिंग में हम लोग एक ऐसा नंबर लेके आए, एक ऐसा रिकॉर्ड हम लोग बनाए जो आज तक हमने नहीं बनाया। ये हमारे पास में एक बहुत अच्छा मौका है। शुरुआती 7 दिन टेप में सतीश पंडित जी ने भी ये बोला है कि हमारे बिजनेस में 7 महत्वपूर्ण दिन है, और उन 7 दिनों में से एक दिन वो होता है जब एक बड़ा इवेंट होता है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ये बड़ा इवेंट, डिजिटल इवेंट, हर सप्ताह हमें मिल रहा है। डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है। जनार्दन जी ने बताया 3 कोर लीडर्स इसमें रहेंगे, टीसी सर खुद यहां रहेंगे, तो इतना अच्छा पैकेज कहां मिलेगा हमें। और मैं एक चीज और कह सकता हूं, देखिए आज बहुत सारे रॉयल्टी चीवर हैं, अगर आप गोल्ड हैं तो गोल्ड पे शायद सैकड़ों लोग होंगे, अगर आप स्टार प्लेटिनियम हैं, स्टार प्लेटिनियम पे सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन इनमें से नेक्स्ट लेवल पे कौन जाएगा, ये जो मीटिंग है ना बुधवार वाली 8:30 बजे वाली मीटिंग, ये तय करेगी जिसके ज्यादा लोग बैठेंगे वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पिछले 20 साल का तजुर्बा ये मेरा कहता है। हमारे जो कोर स्टेप हैं, 8 कोर स्टेप, एयर कोर, 8 कोर स्टेप में भी 5वां पॉइंट इसलिए वहां पे रखा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट ये कहता है कि हमें यूएस के प्रोग्राम को महत्व देना है और महीने में कम से कम एक फिजिकल प्रोग्राम अटेंड करना है। फिजिकल प्रोग्राम ऑलरेडी हमारे हो रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी अच्छी चीज है, मेरा मेरी अगर लिस्ट गुजरात में भी है, मेरी लिस्ट केरला में भी है, मेरी लिस्ट आसाम में भी है, उन सब को, इतनी दूर वाले लोगों को मैं बुधवार को बुला सकता हूं और उनके साथ में बैठ के मीटिंग देख सकता हूं, ये वरदान है। हमारे जमाने में इतना आसान नहीं था बिजनेस करना, हम लोग भीलवाड़ा लोगों को बस में भर के लेके आते थे, 1.5 से 2 हजार रुपया खर्चा हो जाता था, लेकिन इस वरदान का कौन कितना लाभ उठा पाते हैं वो उसी चीज पर डिपेंड करेगा। मीटिंग को मैं एक प्रोजेक्ट के रूप में लेता हूं, मीटिंग एक प्रोजेक्ट है, और जिस प्रकार एक प्रोजेक्ट की तैयारी होती है उसी प्रकार की तैयारी हमारी होनी चाहिए। हमारी पूरी वर्किंग अभी मीटिंग टू मीटिंग प्लान होनी चाहिए, बुधवार से लेके अगले बुधवार तक मैं कितने लोगों से मिलूंगा, कितने लोगों को उस मीटिंग के बारे में बताऊंगा, कितना फॉलोअप करूंगा, मैं जो भी करूंगा उस अगली मीटिंग को ध्यान में रख के, उसको जहन में रख के मुझे करना चाहिए। और इसका मैं एक आसान तरीका आपके साथ में बताना चाहता हूं जिसपे मैं पर्सनली बहुत काम करता हूं। आप एक मीटिंग प्रिपरेशन सीट बनाइए, मीटिंग प्रिपरेशन सीट में टाइम डेट वेन्यू फाइनल है हमारा, ऑनलाइन मीटिंग होगी बुधवार को होगी, 8:30 बजे होगी। अब उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप जिन लोगों को बुलाना चाहते हैं सबसे पहले उनके नंबर, उनके नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद में
आपने उनको पहला इंफॉर्मेशन देना है 7 दिन पहले कम से कम, या 15 दिन पहले भी दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन आप दीजिए और जिसको इंफॉर्मेशन दिया उसके आगे टिक लगाइए बहुत उत्साह के साथ। इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है सर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका देने का भाव होना चाहिए, आपकी फीलिंग होनी चाहिए कि ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है, मैं इस मौके के साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता हूं। और उसकी जिंदगी तभी बदलेगी जब वो इतने सारे लोगों के साथ में ऑनलाइन रह के प्रोग्राम देखेगा। तो सच्चे भाव के साथ में हमने संपर्क करना है और बहुत उत्साह के साथ में, बहुत एनर्जी के साथ में बात करनी है। तो आप 7 दिन पहले आपने उनको बोला कि सर अगले बुधवार को 8:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और उस इवेंट का मैं लिंक आपके साथ में शेयर करूंगा। बस मैंने आपको कॉल इसलिए किया है कि आप अगले बुधवार को, इतनी तारीख है, 8:30 बजे, और कोई काम आप नहीं कीजिएगा प्लीज, और कोई आए तो आपको उसको आगे पीछे कर लीजिएगा, वो आपने नोट करना है, बस इसलिए मैंने आपको फोन किया है। अब इवेंट के 3 दिन पहले संडे को हमने उसी व्यक्ति को दोबारा कॉल करना है, और बहुत लंबी बात नहीं करनी क्योंकि नाम बहुत सारे हैं हमारे पास में, लंबी बात करेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, 15-20 हार्डली 60 सेकंड तक बात करनी है। तो यही करना है कि सर मेरी 3 दिन पहले आपसे बातचीत हुई थी, मैंने बुधवार की मीटिंग के बारे में आपको बोला था, अभी 3 दिन का समय बाकी है तो उस दिन हम लोग मुलाकात करेंगे। ये हो गया आपका सेकंड फॉलोअप। थर्ड फॉलोअप हो गया आपको बुधवार को सुबह आप उससे बातचीत करेंगे कि सर आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिसको लेके पर्सनली मैं बहुत उत्साहित हूं, शाम को 8:30 बजे सारे काम पोस्टपोन कर देना सर, आज की मीटिंग बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकती है आपकी लाइफ के लिए, उसमें जरूर आपने उपस्थित होना है। और चौथा जो कॉल होगा आपका वो होगा 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, सॉरी 8 बजे से लेकर 8:30 के बीच में, ताकि इतना फॉलोअप अगर आप कर पाए ना सर किसी भी व्यक्ति का, आंकड़े ये बताते हैं कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपकी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो आपको एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करना पड़ेगा। आप अगर सिंपली आपने बढ़िया शानदार सा पोस्टर बनाया और पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में वो पोस्टर डाल दिया और आपने सोचा कि लोग आएंगे, ताली बजाएंगे, मजा आ जाएगा, तो प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होगा नहीं। तो हमें इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में काम करना है। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर जगह फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्विटेशन में फॉलोअप अगर आपने 4 फॉलोअप कर लिए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। आज साउथ इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, लगभग 15-20 करोड़ रुपए का हर महीने बिजनेस आता है, लेकिन वहां पे जो एक सबसे पहले व्यक्ति थे वहां पे, उस व्यक्ति को मीटिंग में ले जाने के लिए, मुकेश कोठारी जी की एक मीटिंग थी, मैंने कम से कम 6 बार उसको फोन किया और तब तक फोन करता रहा जब तक उसने ये नहीं कहा कि मैं मीटिंग के अंदर में बैठ गया। और उसका परिणाम है कि 15-20 करोड़ का बिजनेस 1 महीने का आने लग रहा है। तो कौन सा एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो एक व्यक्ति आपको करोड़ों रुपए का बिजनेस दे के जाएगा? और देखिए, आप किसी को ड्राइंग रूम में बैठा के उसका विजन क्लियर नहीं कर सकते। उसका विजन यहां ऑनलाइन में जब वो देखेगा ना यूट्यूब पे, कितने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, अगर हम एक बड़ी संख्या को हम ला पाए तो हम बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे ऑनलाइन। न्यूज चैनल को भी बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, बड़े से बड़े लाइव प्रोग्राम को बहुत सारे लोग नहीं देख सकते, लेकिन हमारे प्रोग्राम को अगर देखें तो शायद हम लोग बड़ी बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हम गिनीज बुक की तरफ जा सकते हैं, इतनी ताकत हमारे अंदर है, हमने करके दिखाया है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है सर। एक राइटर हैं डग विट, और उनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है, पूरी दुनिया में फेमस है, ए बिजनेस स्पेशलिस्ट विद ब्रीफकेस। उसमें 21 प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बताए हैं और एक प्रिंसिपल में वो कहते हैं, इट इज बिजनेस ऑफ क्राउड, ये भीड़ का बिजनेस है। अगर आप भीड़ लाने में कामयाब हैं तो आप यहां कामयाब हो जाएंगे, और आप भीड़ इकट्ठी करने में अगर नहीं आप सक्षम हैं तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। और अच्छी बात यह है कि ये भीड़ हमने फिजिकल नहीं लेके आनी, इसमें
₹500 का या ₹150 का टिकट नहीं लग रहा है, इसमें पूरा दिन नहीं लग रहा है, ऑनलाइन आ रही है। और वो भी चार चार जो शानदार पर्सनैलिटी हैं उनको सुनने का आपको मौका मिलेगा। तो इससे बढ़िया मौका हमारे पास में सर नहीं हो सकता। एक बड़ा ऑप्शन है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहली मीटिंग से ही हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे और हिंदुस्तान की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनको एक बार फिर हम लोग देखिए, हम लोग टर्नओवर वाइज हम लोग बहुत आगे हैं। जो मेरे पास में आंकड़े हैं उनके अनुसार हिंदुस्तान की टर्नओवर में जो पहली चार पांच कंपनियां हैं उनमें हमारा स्थान आ गया है। और हमारा इरादा है कि हम चार पांच में नहीं रहना चाहते, हमें तो नंबर वन की आदत है, हम लोग नंबर वन जाएंगे। इसी फाइनेंशियली में हम लोग मिलकर उतना काम करेंगे। तो उन सबको एक बार खिलाने की, चेताने की जरूरत है कि टाइगर जिंदा है, वो एहसास हम लोग करा सकते हैं। और पूरी कोर टीम बहुत उत्साहित है। जनायन जी ने स्पेशली जनायन जी का उत्साह को देखते हुए उनको ये जिम्मेवारी दी है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हम एक साथ में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जनायन जी मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या बात, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर। साथियों, इतने छोटे छोटे टिप्स आप बताए सर ने कि आप सारी चीजें नोट करके चार्ट बना के तैयारी करें, कैसे किया ये तक बताया, और हम अटके हैं, रॉयल्टी टूट रही है, जा रही है, ये वो सारी चीजों में हम नंबर वन है। एक चीज हम बताना चाहेंगे, बताया आरसीम सबसे ज्यादा किसमें नंबर वन है। आरसीम के जितने लीडर है आप लोग, रॉयल्टी टेक्निकल सब हमारे खून में आरसीएम है, बाकी कंपनियों के लीडरों के दिमाग में आरसीएम होता है, आप सबके हम सबके खून में आरसीएम है। और फिर हम नंबर दो, सेकंड आना जिंदगी में हारना कहलाता है, मात्र फर्स्ट आना ही जीतना कहलाता है। छोटी मोटी गलतियां होती है, ये वो होती है। बीसी सर की एक बात चुराना चाहूंगा, 15 साल पहले की, एक दूसरे को माफ करें, एक बड़ी नई शुरुआत करें। बीसी सर बोलते थे, जो खुद को माफ करते हैं महान कहलाते हैं, जो दुनिया को माफ करते हैं भगवान कहलाते हैं। यस सर, तो हम एक दूसरे को माफ करें, पूरी लिस्टिंग करके आज से एक नई शुरुआत करें, हर चीज को बुला के कैसे हम आगे जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते आप बताइए, और इसी कड़ी में हम और बड़ी कैसे तैयारी कर सकते हैं। हमारे बीच में सीनियर कोर साथी जो भीड़ करने के मास्टर है, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में सुजीत सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर, वेलकम सर, सुजीत सर, हम बड़ी तैयारी कैसे कर सकते हैं सर। थैंक यू जय सर, और रिस्पेक्टेड बीसी सर, सुरेंद्र सर, सभी लोगों को आज ना बहुत पुरानी घटना याद आ गई, खास करके तब जब आदरणीय बीसी सर और सुरेंद्र सर दोनों ही अपनी बात को रख रहे थे। मैं एक ज्वलंत एग्जाम्पल हूँ इस बात का, जीता जागता। देखिए, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था तो कुछ एक्सीडेंटल केस हुए थे, जिन लोगों को मैं देख के इस बिजनेस को करना शुरू किया था वही लोग चले गए थे इस बिजनेस को छोड़ के। और तब की दो घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 20 साल पहले की। 2003 में मैंने जब इस बिजनेस के रॉयल्टी को अचीव किया था तो रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सर की एक मीटिंग मैंने वेस्ट बंगाल मालदा टाउन में अटेंड की थी, एलडीपी प्रोग्राम था वो। और आज जिस मीटिंग चार्ट की बात सर हम लोगों के बीच में कर रहे हैं ना, सर ने उस टाइम इसकी बात की थी। और मैं आपको बता दूं, उस चार्ट का हेल्प लेके मैंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो रेस्पेक्टेड बीसी सर के मीटिंग में लोगों को बिठाने के ऊपर काम किया। मैं खुल के आपको बताना चाहता हूँ, सुरेंद्र सर का वो एजुकेशन था और मैंने फायदा लिया इसमें, बीसी सर के प्रोग्राम्स में लोगों को इसी फॉलोअप के दम पे इसी तरीके से लाता था। और रेस्पेक्टेड बीसी सर बोलते थे जिसने प्रोग्राम को हिट कर दिया ना, उसका बिजनेस तो हिट होना ही होना है। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके प्रोग्राम में बैठेगा उसका बिजनेस एक दिन सबसे बड़ा होना है, सबसे ज्यादा होना है। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस कंसेप्ट के ऊपर काम करने की वजह से मैं इस बिजनेस में बहुत तेज गति से ग्रो किया। और चूंकि आज हमारे बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर साथी हैं, टेक्निकल अचीवर साथी हैं, जो इस बिजनेस में एक उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा करना है, तो मैं देखिए एक चीज कहूंगा आप सभी लोगों को, हालांकि ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है, कि देखिए जब दीवार में हम कील ठोकते हैं ना हथौड़े से, तो कई बार आपने देखा होगा हथौड़ा यदि सही जगह पे काम ना करे ना, हथौड़ा सही जगह पे चोट ना करे, तो सारे प्रयास जो अपने होते हैं ना वो कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं। और आप सभी के सभी लोगों को ये समझना होगा, इवन कि मैं खुद भी अपने आप को इसमें शामिल करूं, कि मीटिंग हमारे लिए वो हथौड़े का चोट है जो एकदम सही जगह पे यदि लगे ना तो फिर
क्या से क्या हम कर सकते हैं, कितने बड़े परिणाम को हम सारे के सारे लोग ला सकते हैं। आज हम सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। देखिए मैंने एक चीज सीखी इस बिजनेस के शुरुआती दिनों में ही कि आप तो सिखाने वाले बन जाइए या फिर सिखवाने वाले बन। और चूंकि हम सारे के सारे लोग ना, देखिए एक माइंडसेट अपना होना चाहिए बहुत बड़ा बनने, और हम ना ज्वाइनिंग को एक ज्वाइनिंग के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक फ्रेंचाइजी के दृष्टिकोण से नहीं देखते कभी भी कि हमने एक फ्रेंचाइजी डाली है उसको हम इतना डेवलप कर सके कि कल को वो हमारे लिए लाखों करोड़ों का टर्नओवर क्रिएट कर सके। आदरणीय बीसी सर हमेशा बोलते थे कि सुजीत एक व्यक्ति तुम्हारे लिए एक करोड़ का कंपनी है। सीधे सीधे वो बताते थे कि एक व्यक्ति एक करोड़ की कंपनी है तुम्हारे लिए, यदि तुम उसको बिल्ड कर दो तो, उसको तुम डेवलप कर दो तो। तो देखिए मेरे अंदर तो वो पात्रता नहीं थी कि मैं लोगों को बिल्ड कर सकूं, मैं लोगों को खड़ा कर सकूं, मैं लोगों को समझा सकूं। तो तरीका मेरे पास एक ही था, रेस्पेक्टेड सुरेंद्र सर के साथ, बीसी सर के साथ, कोठारी सर के साथ, और भी बहुत सारे सीनियर साथी जिनकी उस टाइम मीटिंगें हुआ करती थी, उनकी मीटिंगों में लोगों को ले जाना और डायरेक्ट उनके माध्यम से उनके अंदर उनके विजन को ट्रांसफर कराना। डायरेक्ट मैं मेरे विजन को ट्रांसफर कराने की बजाय अपने सीनियर अप्लायंस के विजन को डायरेक्ट वहां पे ट्रांसफर करवाने की कोशिश करता था। और मैंने शुरुआती दिनों में किताब पढ़ी थी जीत आपकी, उसमें आप सभी ने भी पढ़ा होगा मुझे जहां तक भरोसा है आप लोगों के ऊपर, तो वो आपने मुर्गी और बाज वाली कहानी जरूर सुनी होगी कि यदि मुर्गी को बाज बनाना है ना तो बाजों के संगत में तो आपको लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आपकी मुर्गी बाज बन सकती है। और मेरा ये मानना है कि ये जो बुधवार 8:30 की मीटिंग है ना, ये बाजों की मीटिंग है और इसमें हमारी सारी मुर्गियां बाज बन सकती है यदि संगत में हमने लोगों को लाना सीख लिया, यहाँ पे काम करना सीख लिया। और देखिए मैं बहुत पहले एक किताब पढ़ा था रिचर्ड टैन की, उसमें वो बोलते हैं कि कम लागत में यदि आप ज्यादा प्रशिक्षण दे सको तो आपका बिजनेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकता है। और इसमें यदि हम लागत की बात करें तो आप सोचिए कि इसमें लागत क्या है। डिजिटल मीटिंग में रेस्पेक्टेड सुरेंद्र सर हमेशा बोलते थे कि सुजीत जितनी ज्यादा होम मीटिंगे होंगी टीम में बिजनेस उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये तो होम मीटिंग ही है ना हमारे लिए। हर किसी के घर में हम कोर लीडर को लेके पहुंच रहे हैं, हर किसी के घर में हम हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को लेके पहुंच रहे हैं, तो इससे बड़ा वरदान हम सभी लोगों के लिए क्या हो सकता है। तो इसका हम जितना युद्ध स्तर पर तैयारी करके काम करें मुझे लगता है कि उतना ही बड़ा फायदा हम सारे के सारे लोग ले सकते हैं। और दोस्तों देखिए 3 घंटे का गेम है, 1 आवर मीटिंग पीरियड, 2 आवर प्रिपरेशन पीरियड। जिस दिन मीटिंग है मीटिंग से ठीक 2 घंटे पहले आप पूरी ताकत सुरेंद्र सर जो बताए उसके साथ साथ लगा दीजिए। तो मुझे लगता है ना कि हर मीटिंग में आप सैकड़ों लोगों के साथ बैठे रहेंगे और एक साथ अचानक से जब आपकी सैकड़ों फ्रेंचाइजी सीखेगी, विजन लेगी, तो इतना बड़ा विस्फोट आपके बिजनेस में हो सकता है जो शायद बहुत बड़े बड़े प्रयास करके भी आप हासिल नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर युद्ध स्तर पे हम सभी लोगों को काम करना चाहिए। और लास्ट में बस एक लाइन कहना चाहूंगा मीटिंग के प्रमोशन से लेके, देखिए ये ताकत है डिजिटल मीटिंग का प्लेटफॉर्म, जहां की हम एक सामान्य व्यक्ति होके भी, एक रॉयल्टी अचीवर होके भी हम हजारों लोगों के साथ बैठ सकते हैं। ये कैसे हो पाएगा तो इसका मैं एक तरीका बता रहा हूं, और क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि आप प्रयास नहीं करते, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन जाते हैं ना आप उसको ट्रांसफर करते हैं ठीक, लेकिन फिर भी लोग नहीं आते तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह है, एक लाइन में आपको बताऊंगा कि देखिए जब शादी का आप इंफॉर्मेशन किसी को दीजिएगा ना तो कोई नहीं आएगा शादी, उसका एक प्रॉपर इन्विटेशन देना पड़ता है। आपने कार्ड की फोटो ली और सीधे पोस्ट कर दिया अपने रिलेटिव के पास में, कोई रिलेटिव वहां शायद उसकी वजह से नहीं आएंगे क्योंकि वहां एक इंफॉर्मेशन जा रहा है। प्रॉपर जब तक इनविटेशन नहीं जाएगा जब तक लोग आएंगे नहीं। और मुझे लगता है कि रिस्पेक्टेड सुरेंद्र सर ने जिस तरह से हमें बताया, गाइड किया उन्होंने कि इस तरह से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, तो हमें उस तरह से ही लोगों को इनवाइट करना चाहिए। डेफिनेटली बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठेंगे और ये बार बार करना है, ये एक बार का प्रयास नहीं है, ये हमारा प्रयास बार बार। और यदि सुनियोजित तरीके से हमने काम कर लिया तो अकेले दम पे हम एक साथ हजारों फ्रेंचाइजी को खड़ा कर सकते हैं, चाहे हम इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर हो चाहे इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर हो। तो डेट याद रखिए, दिन याद रखिए बुधवार, टाइम याद रखिए 8:30, संख्या याद रखिए जितना आप सोच सकते हैं उससे 10 गुना ज्यादा के ऊपर काम करना है। आप यदि 50 की प्लानिंग कर रहे हैं मुझे लगता है कि आपको 500 के साथ काम करना चाहिए, आपके साथ यदि आपको लगता है कि 500 तो आपको 5000 के ऊपर काम करना चाहिए।
तभी बहुत विस्फोटक परिणाम आएंगे। और बिल्कुल करना चाहिए, जितनी ज्यादा क्षमता के साथ आप इस पे ताकत लगाइए उतनी ज्यादा रिजल्ट्स की तरफ आप सभी लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर टू जय सर। थैंक यू सर। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, शानदार सर, गजब सर, बहुत बढ़िया। सुजीत सर ने बहुत से टिप्स बताए। लास्ट दो घंटे में फोन कॉल कितने, एक घंटे की मीटिंग है, दो घंटे तैयारी। आप चेक करिए इन दिनों में जो मीटिंग हो रही है, क्या आप लास्ट दो घंटे में फोन कॉल करते हो? थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, टाइम ओवर है, दो मिनट लेना चाहूंगा। साथियों, क्या हम हमारी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? आप आज आप अपने आप से बात करना, हमारे परिवार के प्रति और टीम के प्रति जो जिम्मेदारी है, क्या हम उस जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं? और हम बताना चाहेंगे, ये जो बुधवार की 8:30 बजे की मीटिंग डिसाइड हुई है, कोर टीम ने कई बार इस पे मंथन किया है, एक भी मीटिंग आपको ढीली पीली नहीं मिलेगी। जो तीन स्पीकर डिसाइड होंगे, वकायदा बीसी सर, अरे एक एक शब्द से उनके मीटिंग करी जा सकती है कोठारी सर के, तमाम सीनियर लोगों के। लेकिन ये पहले रिटर्न में तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी करके आएंगे। मेरी गारंटी है आप लगातार अगले एक साल किसी भी अध मरे आदमी को भी जोड़ दोगे ना, वो टेक्निकल लेवल पे जाएगा। लेकिन हम तैयारी कितनी कर रहे हैं उसकी? इतने बड़े बड़े सीनियर साहब की रिटर्न में तैयारी करके आपके बीच आएंगे, लेकिन हमारी तैयारी कितनी? आप एक बात बताइए, आज ये मीटिंग थी, एक टेक्निकल एचसीयू अपने 5 रॉयल्टी एचसीयू को लेके बैठा है और एक टेक्निकल एचसीयू खुद भी नहीं आया। 13 तारीख को पहली मीटिंग हो रही है, एक रॉयल्टी एचसीयू अपने 50 लोगों को लेके आएगा और एक रॉयल्टी एचसीयू एक या दो लोगों को लेके आएगा, खुद भी नहीं आएगा। और बाद में जब बिजनेस डाउन जाएगा, पता है क्या बोलेगा? किस्मत खराब, भाग्य खराब, तकदीर खराब, अपलाइन खराब, सिस्टम खराब, ये खराब, वो खराब। सच पूछो, क्या किस्मत खराब है? एक लाइन में बताना चाहूं तो किस्मत खराब नहीं है भैया, खोपड़ी खराब है। हम तैयारी कितनी कर रहे हैं? क्या हम जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्यों नंबर वन नहीं बन सकते? पद साहब ने बातों बातों में आपको एक टास्क दे दिया कि हम गिनीज बुक में नाम क्यों नहीं आ सकता, हमारा कारण बताइए। अभी 4,000 लोग आप हो, क्या हम 100-150 लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? छोटे छोटे कितने तरीके अपनाए जा सकते हैं। और दोस्त एक बात बताना चाहूंगा, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बन रहा है, आने वाली पीढ़ियां आपका इतिहास पढ़ेगी कि ये हमारे पूर्वज थे जो इतना बड़े सिस्टम हमारे लिए बना के गए, क्या हम अपना परफेक्ट पार्ट प्ले कर रहे हैं? छोटी मोटी सारी बातों को भूल के अगर हम बड़ी तैयारी करें, हम एक नया इतिहास बना सकते हैं। और ये गारंटी है सारे कोर टीम की, हमारी गारंटी है कि ये जो मीटिंग होगी अब तक के इतिहास की नंबर वन मीटिंग होगी। चाहे नया साथी आएगा, चाहे ढीला पीला आएगा, चाहे करंट वाला आएगा, हर साथी कुछ ना कुछ यहां से लेके जाएगा, क्योंकि पहले से तैयारी करके सारा रिटर्न वर्क करके मीटिंग होने वाली है। टाइम ओवर है, लास्ट आपकी तैयारी कितनी है, आपकी तैयारी कितनी दोस्त? अपने आप से यहां पे रिटर्न इतने में मैं नहीं ले सकता, लेकिन आप अपने आप से एक जवाब देके जाना कि 13 तारीख को बुधवार में मेरे इतने लोग क्यों नहीं हो सकते, कारण बताइए। एक रॉयल्टी अचीव की टीम में लगभग 200-500 ज्वाइनिंग है, एक टेक्निकल के हेड पे हजारों ज्वाइनिंग है, तो क्या हम उसमें से 150 लोग नहीं सेलेक्ट कर सकते? रिटर्न में तैयारी करिए दोस्त। तो आपके पास पोस्ट 13 तारीख की, आपको 13 तारीख से 3-4 दिन पहले पोस्ट मिलेगी। स्टेटस में लगा सकते हैं, बीपी पे लगा सकते हैं, हर ग्रुप में कई बार मैसेज कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, अपने लीडर्स के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर एक तरफा अभियान चला दें 13 तारीख, हर बुधवार 8:30 बजे, हर बुधवार 8:30 बजे, हर बुधवार 8:30 बजे, हर मीटिंग में इसकी चर्चा की जाए, हर मीटिंग में इसका प्रमोशन किया जाए, हम एक नया इतिहास बना सकते हैं। जो सपने हम सब लोग देख रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां देख रही है, हमारी टीम देख रही है, उन सारे सपनों पे खरा उतर सकते हैं। एक कवि रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब चोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। क्या नहीं कर सकते हम दोस्त? अपनी जिम्मेदारियों को समझे। और इस प्रकार की मीटिंग पहली बार होगी जिसमें हर एक चीज सीखने को मिलेगी। 3 लीडर आएंगे, हर प्रकार से हर प्रयास करेंगे कि सामने बैठने वाला इंसान यहां से कुछ लेके जाए। अब जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हम उम्मीद करते हैं दोस्त करेंगे, नया रिकॉर्ड बनाएंगे और दुनिया को कुछ करके दिखाएंगे। क्या मैं भरोसा करूं
कि बुधवार की जो मीटिंग होगी वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 5,000, 7,000, 20,000 रुपए टक जाते हैं, क्या आंकड़ा है ये? अरे जिसमें हजारों टेक्निकल अचीवर और हमारा आंकड़ा 3,000, माफी चाहूंगा, शर्म की बात है। इतिहास बदल सकता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, जोश में और होश में कोई भी शब्द बुरा लगा हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंची तो माफी चाहेंगे, लेकिन जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं। मैंने कोर टीम को, एक एक टीम को जूझते देखा, एक एक पॉइंट पे देखा है। मैं एक साल से कोर में हूं, पहले मैं कोर में नहीं था, मुझे नहीं पता था कि कोर साथी इतना प्रयास करते हैं, एक एक टॉपिक पे इतना गहराई से मंथन करते हैं, कुछ करना चाहते हैं। हम उनकी ताकत बने, एक नया इतिहास बनाए, अपनी टीम की ताकत बने। तो हम उम्मीद करते हैं 13 तारीख को ये पहली मीटिंग का आगाज हो चुका है और हम अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, सारे गिले सिक्के मिटा के एक तरफ अभियान चलाएंगे और इस 13 तारीख की बुधवार की 8:30 मीटिंग को नंबर 1 बनाएंगे और नया रिकॉर्ड बनाएंगे। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। लास्ट शब्द बीसी सर से क्या आशीर्वाद के रूप में देना चाहते हैं और उसके बाद मीटिंग क्लोज होगी। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में आशीर्वाद के तौर पे, क्योंकि सर आपकी पूरी टीम एक नए अभियान में जा चुकी है, आपका एक शब्द, आपकी जबरदस्त तालियों के बीसी सर। देखो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मुझे इन सब साथियों पे इतना भरोसा है कि यही इतिहास बदलने की ताकत रखते हैं और यही सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। इसलिए अब राम मैं इनकी तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि 13 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, आप देखेंगे, मैं देखूंगा कि हमारे साथियों में जो ताकत है उसका जलवा आपको 13 तारीख को नजर आ जाएगा। और मैं इनकी तरफ से जवाबदारी लेता हूँ और इनकी तरफ से जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी टीम पर, अपने साथियों पर, अपने दोस्तों पर, अपने सभी पर इतना भरोसा है और मेरे भरोसे पर ये हमेशा भरोसा करते हैं। इसलिए अब हम मिलेंगे 13 तारीख को, लेकिन एक नई इतिहास की तैयारी करने के लिए। बिल्कुल फिजा बदलेगी, माहौल बदलेगा, इतिहास बदलेगा, एक नई शुरुआत होगी, एक तैयारी सब पर भारी पड़ेगी। कर लो जीत की तैयारी, क्योंकि यही एनिवर्सरी के लिए हमारे लिए माहौल का निर्माण करेगी। और इस बार की एनिवर्सरी का आगाज 13 तारीख को हम करेंगे कुछ नई बातों के साथ, नए जज्बातों के साथ, एक ऐसी मुलाकात जो पूरा नए जोश के साथ होगी, नए जुनून के साथ होगी। तो बिल्कुल मिलेंगे 13 तारीख तक, और आज से कहते हैं 13 तक न सोना है न सोने देना है, बस इस बात को जन जन तक पहुंचाना है, जो सो गए उनको जगाना है, जो रूठ गए उनको मनाना है, जो टूट गए उनको भी वापस लाना है। बिल्कुल खोए हुए को, सोए हुए को, टूटे हुए को, बिल्कुल लड़े हुए को, पड़े हुए को, सब को वापस लेकर 13 तारीख की मीटिंग में एक ऐसा माहौल बनाना है कि हमें पूरे हिंदुस्तान की हर बात के मामले में नंबर 1 तो हम हैं, लेकिन इस मामले में भी नंबर 1 बनकर एक नया इतिहास बनाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल करके दिखाएंगे। सभी साथियों से माफी चाहेंगे, कोठारी सर इस पॉइंट की तैयारी के लिए आज आपके बीच में आने वाले थे, लेकिन रास्ते में है, नेटवर्क कम है, लेकिन मुझे नहीं पता 13 तारीख को सारे सीनियर साथ एजेंडा में नाम किसका लिखेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कोठारी साहब का तो नाम रहेगा और वो पूरी तैयारी के साथ आपके बीच आने वाले, एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। हर एक साथी को जो आज मुड़ाया हुआ है, ये बुधवार के मीटिंग उसके चेहरे में चमक देके जाएगी, ये हम भरोसा दिलाते हैं आप सबकी तरफ से। तो हम बड़ी तैयारी के साथ मिलते हैं 13 तारीख को एक नए आगाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। सभी कोर साथियों के लिए एक बार जबरदस्त तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सीनियर साथियों का। थैंक यू सर, थैंक यू महावीर सर।